वेलकम फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का अपने चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों लॉज, तीनों नियम के बारे में आपको डीप में बताया था। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को देखें, क्योंकि दोनों लेक्चर्स का आपस में कोरिलेशन है। आज मैं आपको मोशंस के इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो दो टाइप का होता है। एक आपका होता है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, और एक आपका होता है सर्कुलर मोशन। तो हम वन बाय वन दोनों के इक्वेशन की बात आपसे करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आपसे सबसे पहले लीनियर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन, जिसको हम कहते हैं रेखीय गति, रेखीय गति। तो इसके इक्वेशन को डेवलप करने से पहले या डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें हम बात करेंगे यू, जिसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में प्रारंभिक वेग। फिर बात करेंगे वी, ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम कहेंगे अंतिम वेग। फिर हम बात करेंगे एस, ये होता है हमारा डिस्टेंस, जिसको कहेंगे विस्थापन। फिर हम बात करेंगे स्मॉल ए, ये होता है एक्सीलरेशन, जिसको हम कहते हैं त्वरण। और एक आखिरी टर्म है टी, टी मतलब होता है टाइम, समय। तो देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो इक्वेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसी इक्वेशंस की मदद से आप लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशंस, मतलब न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम सारे फार्मूले को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम इक्वेशंस के बारे में बात कर लें। पहला हमारा है V इज इक्वल टू U प्लस ए टी। दूसरा हमारा है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो हमारा इक्वेशन है वो है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो देखिए, ये हो गया हमारा तीन इक्वेशन। अब हम बात करेंगे रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन मतलब होता है मंदन। तो देखिए, हम आपको बताते हैं, इफ रिटार्डेशन इज अप्लाई हिंदी भाइयों के लिए रिटार्डेशन मतलब होता है मंदन, तो रिप्लेस ए इक्वल टू माइनस ए, और हमारी इक्वेशन हो जाएगी वी इज इक्वल टू
u माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस टू ए एस। तो रिटार्डेशन के केस में बस हम उसको माइनस से रिप्लेस कर लेंगे, इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। तो देखिए ये लीनियर मोशन से रिलेटेड हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम बात करेंगे अप और डाउन जब हमारा लीनियर मोशन होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो चलिए उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अप एंड डाउन लीनियर मोशन में एक हमारा नया टर्म आ जाता है और वो ये आ जाता है जो हमने एक्सेलरेशन इस्तेमाल किया था, अब हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इस्तेमाल करेंगे, मतलब रिप्लेस ए विथ जी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी जिस बल से उसको अपनी तरफ खींचती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस दौरान जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसको हम डिनोट करते हैं जी से। तो जब हम आगे आपको ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो उसके जी, उसमें हम जी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए कि अगर हम अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड इक्वेशन को देखते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं अप डाउन लीनियर मोशन। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई बॉडी है और अगर वो देखिए मान लीजिए कि हमारा ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इससे कोई चीज़ ऊपर जा रही है या इसकी तरफ आ रही है तो इसमें जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम कहते हैं जी। ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू निगेटिव होगी, और जब टूवर्ड्स द अर्थ आएगी मतलब पृथ्वी की ओर आएगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जो जी की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसके लिए हमारी जो जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो चलिए अब हम इक्वेशंस को देख लेते हैं। देखिए सेम इक्वेशन है, बस हमको ए को जी से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हम पहला केस लेते हैं फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। और यहां पर हो जाएगा फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो चलिए इसमें जो हमारा पहला बन जाएगा वो बन जाएगा वी इक्वल टू u माइनस जी टी, और यहाँ पर हाइट आ जाएगी तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस टू जी एच। सेम यही इक्वेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए भी रहेगी, और माइनस को हम प्लस से डिनोट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगी v इज इक्वल टू
यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो ये बन गई हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्वेशन। तो देखिए, हमने लीनियर मोशन पढ़ लिया, हमने अप डाउन लीनियर मोशन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस के बारे में देख लेंगे, और मैं आपको ऐसा कोरिलेट करके बताऊंगा कि आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी और आप इजीली न्यूमेरिकल्स को कर लोगे। तो चलिए हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, और मैं आपको कंपेयर करके बताते जाता हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो हमारी इसमें फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम वी को ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं, और ये हमारी हो जाती है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। हम u को रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा नॉट से, ये होती है हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फिर हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं, और ये हो जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। और हम जो डिस्प्लेसमेंट था एस, उसको हम थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, और ये हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं एक बार आपका रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जो हमारा लीनियर मोशन में v था उसको हमने रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, और ये बन गया हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से लीनियर मोशन में जो हमारा u था उसको हमने रिप्लेस कर दिया ओमेगा नॉट से, और ये बन गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो बन गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो चलिए, अब सेम इक्वेशन है और उसी तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल हमको घबराना नहीं है, हमको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोरिलेट करके अब आप खुद भी उन इक्वेशंस को जस्ट लाइक लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखने जा रहा हूँ। चलिए लिख के मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, जो हमारा पहला इक्वेशन उसमें था वो था v बराबर यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसी तरीके से जो हमारा वहाँ पे था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो बन गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और जैसे उसमें हमारा तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो यहाँ पर बन गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। तो देखिए, अब डायरेक्टली आप पढ़ते तो शायद लगता कि हाँ याद करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि इसमें याद करने जैसी कोई बात है ही नहीं। तो देखिए, जितने भी इक्वेशन थे वो मैंने आपको बता दिए, लीनियर मोशन से रिलेटेड, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ इक्वेशन इसी में करा दूंगा, और फिर मैं आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो ये था हमारा आज का सेकंड लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दी है, आप जाएँ और उसको देखें। तो अगर आपको आज का भी हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।